कर्मचारियों को बहाल करो, आज करो, अभी करो। रुद्रप्रयाग में वाहन दुर्घटना के बाद परिवहन कर्मचारियों को निलंबित किए जाने का विरोध करते हुए कर्मचारी संगठन ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा निलंबित किए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। परिवहन कर्मचारी संगठन ने कहा कि उनके द्वारा चारधाम यात्रा में निष्ठापूर्वक कार्य किया जा रहा है, उसके बाद भी कर्मचारियों को निलंबित किया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को निराशा होती है। संगठन ने निलंबित कर्मचारी को बहाल करने की मांग की है। ये हमारे साथी लोग जो ब्रह्मपुरी चेकपोस्ट में निलंबित कर दिए थे उसके संदर्भ में उनको हमारे के द्वारा भी अवगत कराए गए कि हमारे साथी को बहाल करो करके, और उच्च अधिकारी द्वारा हमें बार बार कहा जाता है कि आपके साथियों को बहाल कर दिया जाएगा। फिर हमें पुनः एक बार फिर हमें 2 घंटे का कार्य बहिष्कार आज और 5 तारीख को हमारी ओर से किया जा रहा है, और इसके बाद हम 6 से पूर्णतः कार्य बहिष्कार हम ये हमारे अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी के द्वारा ये हमको आश्वासन दिया गया है, अगर हमारे साथी लोग बहाल नहीं होते हैं तो हम ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और जिससे कि कर्मचारियों में असंतोष बना रहता है कि इतने तो एक तो यहाँ से दूर दूर से हम लोग वहाँ ड्यूटी पर जाते हैं, न कोई TA मिलता है न कोई DA मिलता है, और उसके बाद भी ऐसा उच्च अधिकारी को बचाने के चक्कर में ऐसे निम्न अधिकारी के साथ ऐसा होता है, तो इसके लिए हम लोगों में असंतोष बना है और ये जिसके लिए हम आंदोलन के बाध्य हैं। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।